शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा गया पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर चादरपोशी करने के बाद मीडिया से बात की। कृष्ण नंदन ने प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। हमारी प्राथमिकता है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य में सबको उपलब्ध कराएं। खास करके दो समस्याएं जो हम समझते हैं और हम लोग महसूस करते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग, हाई स्कूलों में क्लासेस रेगुलर नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी चिंता ये है कि छात्र आते हैं और स्कूल में साइकिल लगाने के बाद कोचिंग के तरफ चले जाते हैं, ये सच्चाई है। और हाई स्कूलों में क्लासेस, सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्कूलों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो हम लोग की चिंता का विषय है। कृष्ण नंदन वर्मा ने साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिए कि स्कूलों में मॉनिटरिंग की व्यवस्था और दुरुस्त की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत सिंह की रिपोर्ट।